हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है वीकेंड और मैंने सोचा कि कहीं चलते हैं, थोड़ी सी गर्मा गर्म कॉफ़ी पीते हैं और आप सबको भी लेकर चलते हैं हमारे साथ। उसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ, यहाँ पे मैं आईलाइनर लगा रही हूँ और आईलाइनर लगाते वक्त वी ऑल नो कितना ज़्यादा डिज़ास्ट्रस होता है वो और कितना ज़्यादा पेनफुल होता है। एक ही बार में तो अच्छे से नहीं लगता है। सो फिर मैं यहाँ पे पोंछ रही थी और फिर मैं लगा रही थी, फाइनली सब कुछ अच्छे से ठीक ठाक से लग चुका था। बेसिकली थोड़ी सी मैं तैयार हो रही हूँ, ठंड है, इतना ज़्यादा ड्राई स्किन है, फिर भी थोड़ा सा तैयार होना बनता है अगर आप बाहर जा रहे हो। इधर लिपस्टिक लगा रही हूँ, एक लिपस्टिक से तो मैं कभी खुश नहीं हुई, तो फिर लेयर के ऊपर लेयर लगाने के बाद, तीन लिपस्टिक्स लगाने के बाद फाइनली आई लाइक द कलर दैट वॉज ऑन माई लिप्स। उसके बाद थोड़ी सी परफ्यूम लगा रही हूँ सो दैट यू स्मेल गुड, राइट। बाल बहुत ज़्यादा गीले थे क्योंकि उस दिन मैंने शैम्पू करा हुआ था। ऑली देखिए कैसे देख रही है। यहाँ पे मैं जैकेट पहन रही हूँ अपना, मेरे पास ना फिलहाल एक ही जैकेट है। मैं जैकेट शॉपिंग के लिए गई हुई नहीं हूँ, कोई मॉल वगैरह मैंने अभी तक विजिट नहीं किया है, बट वेरी सून आई विल गो एंड विजिट अ मॉल और वहाँ से कुछ जैकेट्स लेंगे। अरिंदम के पास फिलहाल जैकेट्स है ढेर सारा, बट मेरे पास उतना सारा है नहीं क्योंकि पहले तो हम गुजरात में थे, वहाँ पे उतनी ठंड नहीं थी, जैकेट्स वगैरह स्वेटर्स वगैरह की उतनी ज़रूरत नहीं होती थी। फाइनली मैं थोड़ी सी अरिंदम को भी तैयार करके दे दी हूँ। इतनी ठंड है लेकिन ये आदमी थोड़ा सा भी क्रीम वाले लोशन लगा ले वो सब वो नहीं लगाता है। सो हम फाइनली गाड़ी में बैठ चुके, हम निकल पड़े हैं और आपको पता है ऑन द वे आई कुडंट शूट दैट, हमें पुलिस पकड़ी और फिर दे चेक्ड आवर लाइसेंस एंड एवरीथिंग और फिर हमें जाने दिया। देखिए कितनी अच्छी सी सनसेट हो रही है, यहाँ पे खेत है, पहाड़ है और बहुत अच्छा सा रास्ता था और दैट टुक अस एन आवर टू रीच द कैफे, यू नो। एंड फाइनली हम पहुंच चुके जहाँ पे हमें आना था। बहुत अच्छी सी ये एक कैफ़े है, काफ़ी दूर है मेरे घर से लेकिन मुझे यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ का जो एम्बियंस है उतना भी वेल मेंटेन्ड या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक लोग यहाँ पे आते हैं टू एंजॉय द व्यू, उसके लिए ही आते हैं। और हम फटाफट चले गए ऊपर, ऊपर में भी सिटिंग एरिया था तो वहाँ हम पहुँचे एंड आई जस्ट केप्ट लुकिंग एट ब्यूटिफुल व्यू। हमने ऑर्डर करा थोड़ा सा हॉट कॉफ़ी, उसके बाद हमने ऑर्डर किया थोड़ा सा चिकन पकौड़ा जो कि आ चुका है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। खाना ना मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ग्रेट था या बेकार था, मॉडरेट सा था, लेकिन जो व्यू है दैट वाज ब्रेथ टेकिंग। और हमने ऑर्डर किया थोड़ा सा पास्ता, यहाँ पे देखिए मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि मुंह से धुआं निकल रहा था, ऐसा मैंने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, इतनी ज़्यादा ठंड थी। बट हमने यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी और ये सब खाना वाना खाया, बहुत सारी बातें करी एंड फाइनली आई केम डाउन। मैं ऊपर से एक झूला देख रही थी जहाँ पे मुझे बैठना था, ऑन द वे मुझे मिला ये बड़ा सा मिरर, तो ऑफ कोर्स मिरर है तो उसके आगे एक फोटो लेना बनता है। यहाँ पे अरिंदम झूला झूल रहा था, फिर फटाफट से मैं बैठ गई और फिर मैंने उसे कहा कि मेरी भी एक फोटो ले लो, तो उसने सेम टू सेम जैसे मैंने उसकी वीडियो ली एग्जैक्टली उसी तरह से उसने मेरी वीडियो ले ली।
बट मुझे दिखाना था आप लोगों को, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। मेरा पति बेकार है व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी। और ये देखिए एम्बियंस, आप अंदर भी बैठ सकते हैं अंडर द शेड, लेकिन हम गए थे ऊपर बैठने जहाँ पे हमें और भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। खाना खाने के बाद, ढेर सारी बातें करने के बाद हम निकल पड़े घर के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर था और ये माउंटेनी एरिया है, दैट कुड बी अ लिटिल स्कैरी। That's it for today's vlog. I hope you guys enjoyed this video. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. We'll see you in the next one. Until then, bye-bye and take care.